जब घर टूटता है ना तो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि बहुत ही मेहनत से घर बनाया था हमने, बहुत ही मेहनत से बनाया था, और इस घर से हमारे सारे अरमान भी जुड़े हुए हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग ठीक, कुछ ठीक हैं, कुछ ठीक नहीं हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे सब ऐसे अस्त व्यस्त चल रहा है, और किसी काम में फोकस भी नहीं हो पा रहा है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, और मेरे घर को तोड़ा जा रहा है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ गई है कि जिसकी वजह से ये सब कर रहे हैं कुछ लोग, और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ कह नहीं सकते हैं, और आप लोगों को बताती हूँ मैं। चलिए अभी थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को वर्क की क्या स्थिति है। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, बाकी का मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। और चलती हूँ किचन में खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है अभी। यहाँ पर मैंने सार्थक बहुत दिनों से जिद कर रहा है, इस बीच मेरा मतलब हफ्ते भर 10 दिन से खाना पीना नहीं सही से बन पा रहा है, कुछ ऐसी समस्या चल रही है, तबीयत भी खराब चल रही है, और इसी के चलते सब कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ खाना पीना भी नहीं सही से बनता है, बस ऐसे चल रहा है। तो बच्चे परेशान हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी आज पाव भाजी बना दो, और मेरी देखो, और देख सकते हैं आप लोग, मेरा गला भी खराब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मेरा गला भी खराब है, आवाज़ सही नहीं आ रही है। वो सार्थक की डिमांड थी कि मम्मी पाव भाजी बना दो, तो मैंने सोचा चलिए पाव भाजी बना देती हूँ, और क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं बस ऐसे ही चल रहा है, तो ये सारा सब कुछ मैंने कट करके रख लिया है देखिए, और इसमें मैंने बॉयल कर दी है सब्जियाँ जो मुझे बॉयल करनी थी, कुछ पाव भाजी बना देती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ पर भाजी तो हो गई है रेडी, ये देखिए मैंने भाजी रेडी कर दी है, और अभी पाव सेकूंगी। इधर मेरा दूध गर्म हो गया है, और ये है मैंगो जो कि अभी मार्केट से आए हैं, इनको मैं धो देती हूँ, और अब मैंगो का लास्ट ही चल रहा है, अब मैंगो का लास्ट चल रहा है, दिखा ना इसमें कितने अच्छे मैंगो हैं, गोल हाँ, बस अब एंडिंग टाइम ही चल रहा है मैंगो का, तो धो के रख देते हैं, और इसके बाद मैं पाव सेकती हूँ। और ईशानी खाओगी? हाँ, ईशानी की और सार्थक की डिमांड थी पाव भाजी की, इस वजह से मुझे बनाना पड़ा है, तो उधर मिस्त्री लगे हुए हैं, अभी हम लोग आपको दिखाएंगे। देखिए पाव भी सेक गए, और ये ईशानी है खाने वाली, है ना? हाँ, ईशानी खाएगी? मैं तो जरूर खाऊंगी, जरूर खाएगी ईशानी, मेरी डिमांड है ये, ये है ना? हाँ, ये लो बाकी का मैं निकालती हूँ, आप लेके जाओ। ओके, ये देखिए ईशानी का हो गया, और ईशानी जाएगी और अब खाएगी, और चलिए मैं मिस्त्री लोगों को टेस्ट भी बताना, और मैं दिखाती हूँ, इधर मिस्त्री लोग काम करने लगे हैं। एक पीस चिपक गया, तो अभी हो जाएगा ये पूरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं खाना पीना तो मैं बना चुकी हूँ, और कर भी लिया है बच्चों ने थोड़ा बहुत जो भी कुछ करना था, और जब घर टूटता है ना तो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि बहुत ही मेहनत से घर बनाया था हमने, बहुत ही मेहनत से बनाया था, और इस घर से हमारे सारे अरमान भी जुड़े हुए हैं, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, कभी कर सकती हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरे दोनों बच्चे इसी मतलब मेरे दोनों बच्चों की यादें भी जुड़ी हुई हैं इस घर से, और जब टूटता है ना घर तो बहुत ही दुख होता है, मैं बहुत ही रोती हूँ,
और कई बार ऐसा हो चुका है कि देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि समस्या क्या है। यहाँ पर ये देखिए, इसके चलते ये सारा सब कुछ तोड़ दिया गया है। ये देखिए पूरा टूटा हुआ पड़ा है। ये देखिए सारा सब कुछ बेकार हो चुका है। हम लोग कैसे कर रहे हैं सर्वाइव हमें पता चल रहा है। और इसके चलते मतलब इसमें से कहीं से लीकेज हो रही थी, नीचे पानी जाता था तो ना पूरा नीचे का पोर्शन बेकार हो चुका है। आप लोग वीडियो में देखते भी रहते होंगे हमारी, क्योंकि बहुत सी वीडियो में नीचे का पोर्शन गड़बड़ दिखता है। वहाँ यहाँ से पानी लीकेज होता, इसको मतलब कई बार तोड़ दिया मिस्त्रियों ने, 3-4 बार तोड़ दिया। और ये मिस्त्रियों ने तोड़ा था, उस समय मैंने सूट नहीं किया था, और इसे हो गए कई दिन हो गए तोड़े हुए, और ये बनाया गया है। इसी जगह से ही फॉल्ट है और इसको मिस्त्री ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ही परेशानी हो रही। और कई बार इसका काम कर लिया गया है, कई बार करवाया गया है, तो चलते हैं। अब मिस्त्री आने वाले हैं, आज इसको रिपेयर करेंगे, तो शायद मैं खुश हो जाऊं और हमें अच्छा लगे। तो देखते हैं अभी, जब उस समय मैंने सूट नहीं किया था इसको, और जब ऐसा कुछ होता है ना तो बहुत ही मन दुखता है, बहुत ही परेशानी होती है। ये देखिए सामान भी आ चुका है। सामान भी, टाइल वगैरह सब कुछ तोड़ के नुकसान कर दिया गया है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी हूँ। और देखते हैं मिस्त्री आएंगे, फिर मैं आप लोगों को अपडेट आगे का दूंगी, किस तरह होता है, कैसा भी जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सब कुछ। यहाँ पे चल रही है तोड़ा फोड़ी, और ये पहाड़ निकाल दिया गया है। है पता नहीं कैसे कच्चा है। ठीक है, अब क्या करना, तुझे साफ करके इसको सारा वाला अंदर भी हो गया रिपेयर पूरा, और व्हाइट सीमेंट सूखा लेके सारे पे घुमाता वैसे लिया नीचे सब। भाई साहब ये जो ये वाले हैं इनमें नहीं रिपेयर हो सकती क्या? पूरे बर्बाद हो ना, बर्बाद हो पूरे पूरे को। हाँ पूरे का बर्बाद, क्योंकि दरार से। हाँ ठीक है, इधर का हो गया कंप्लीट, और इसको पूरा भर दिया जाएगा भाई। थोड़ा फोड़ी हमारी सही हो जाएगी पूरी। सो गाइज, हमारा काम एंडिंग में चल रहा है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि कंप्लीट हो गया है पूरा। अब मैं बहुत हैप्पी हो रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह का हो गया है कुछ, और ये ज़रा सा बाकी है पिलर, और अंदर का भी हो गया है, यूज करने लगे हैं। आज मैं ब्लॉग 2-3 दिन के बाद बना रही हूँ, जब ये सही हो चुका है, यूज करने लगे हैं। लेकिन ये हमारे मिस्त्री जी ना इतना काम छोड़ के चले गए हैं और आ नहीं रहे, आ जाएंगे, खैर वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लुक हो गया है, अब हम खुश हैं। ये देखिए अभी ये जो रखा हुआ है बोरी में, और ये कपड़ा, ये इसी के लिए सीमेंट ही रखा हुआ है, और जैसे ही मिस्त्री आएंगे वैसे ही रिपेयर हो जाएगा। तो इस ब्लॉक को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि सारा काम हो चुका है, और नीचे भी अब सूखने लगा है, काफ़ी कुछ सूख गया है, जो जितनी सीलन आई हुई थी तो काफ़ी सूखने लगा है। मतलब कुल मिला के अब ठीक हो जाएगा, तो मैं अब हैप्पी हूँ। और यहीं पर करते हैं इस ब्लॉग को एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।